नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एक कटोरी पानी कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी किराए के घर में शिफ्ट होते हैं या ऐसे घर को खरीदते हैं जिसमें पहले कोई रहता हो, ऐसे घरों में जाते ही घर की नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारे जीवन में तनाव और धन संबंधी परेशानियां आने लगती हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करना बहुत ही आसान है, जो पल भर में हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियो की डिटेल और इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है, एक कटोरी में पानी लेना है और उसे दोपहर में 3-4 घंटे के लिए धूप में ही रखना है। 3-4 घंटे के बाद उस पानी को भगवान का नाम लेते हुए आम या अशोक के पत्तों की सहायता से पूरे घर में छिड़कना है। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि नए घर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए तो पूरे घर में फ्रेश रंग करवा कर ही जाना चाहिए। तीसरा उपाय है, रात को सोते समय घी में भिगाया हुआ कपूर जलाकर सोएं। इससे नेगेटिव एनर्जी तो दूर होती ही है, साथ ही दुस्वप्न और अनिद्रा की बीमारियां भी दूर होती हैं। चौथा उपाय है, शाम की पूजा के समय शंख बजाएं और दक्षिणावर्ती शंख से पूरे घर में जल छिड़कें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। पांचवा उपाय है, शाम के समय घर के सभी कोनों में एक कागज पर थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक डालें, फिर सुबह इस नमक को कागज सहित इकट्ठा करके किसी बहते नाले में बहा दें। इस उपाय से घर में समृद्धि आती है। छठा उपाय है, प्रतिदिन शाम के समय धूप और लोभान को मिलाकर गोबर के कंडे पर डालकर जलाएं और इसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। इससे घर में सुख शांति बढ़ती है और दुष्ट ताकतें घर से बाहर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आप भी ध्यान रखें, किसी नए घर, चाहे वो किराए का हो या खरीदा हुआ, घर शिफ्ट करने से पहले रंग रोगन जरूर करवा लें और साथ ही हमारे द्वारा बताए गए उपायों को जरूर आजमाएं ताकि घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष और नकारात्मक एनर्जी दूर हो सके और घर में मां लक्ष्मी का वास हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जरूर शेयर करें और प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।